हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं वाईफाई दोस्त चैनल। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो के इस प्लान की वैधता 360 दिनों की है, मिलेगी 360 GB। जी हां गाइज, इस नए प्लान के बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। बस 1-1.5 मिनट का वीडियो होने वाला, आप इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तब आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक हमारे चैनल वाईफाई दोस्त को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा लें। और आपको बगल में इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी दिख रहा होगा तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रिलायंस जियो के 4,999 रुपये वाले प्रीपेड रिचार्ज प्लान की वापसी हो गई है। यह कंपनी की लंबी वैधता वाले रिचार्ज प्लान में से एक है। इस प्लान को बीते साल दिसंबर महीने में वापस लिया गया था। यह प्लान 350 GB डेटा के साथ आता है और इसकी वैधता 360 दिनों की है। इसके अलावा जियो यूजर्स को इस प्लान में जियो से जियो नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलर हर दिन 100 SMS मुफ्त भेजने की सुविधा मिलेगी। इस जियो प्लान में कुल 12,000 मिनट जियो से गैर जियो नेटवर्क पर कॉल करने के लिए मिलेंगे। 4,999 रुपये वाले रिचार्ज पैक से पहले कंपनी के पोर्टफोलियो में लंबी वैधता वाले 1,299 रुपये और 2,121 रुपये वाले प्लान पहले से मौजूद हैं। 4,999 रुपये वाले जियो प्लान को जियो की वेबसाइट को लॉन्ग टर्म पैक सेक्शन में लिस्ट किया गया है। अब प्लान की तरह इस प्लान में भी जियो ऐप का सब्सक्रिप्शन मुफ्त दिया जाता है। 350 GB 4G डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड 64 KBPS हो जाएगी। इस प्लान के बारे में सबसे पहले जानकारी ड्रीम DTH द्वारा दी गई। बताया गया कि इस प्लान को जियो की साइट पर बीते हफ्ते शनिवार को लाइव किया गया है। लंबी वैधता वाले अब प्लान की बात करें तो 1,299 रुपये वाले प्लान में जियो यूजर्स को 336 दिनों की वैधता मिलती है, जिसमें 24 GB डेटा 4G डेटा मिलता है। इसके बाद डेटा की स्पीड 64 KBPS हो जाती है। पहले इस प्लान में 365 दिनों की वैधता के साथ मार्केट में उतारा गया था, लेकिन बाद में वैधता 336 दिन कर दी गई। दूसरी तरफ 121 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की 336 दिनों की है, इस प्लान में हर दिन इस्तेमाल करने के लिए 300.5 GB 4G डेटा दिया जाता है। निर्धारित डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 64 KBPS हो जाती है। यूजर्स हर दिन 100 SMS भेज पाएंगे। आप चाहे तो 4,999 रुपये वाले जियो प्लान से आधिकारिक वेबसाइट से रिचार्ज करा सकते हैं। यहाँ पर यूजर्स पेटीएम, फ़ोनपे, मोबीक्विक और अन्य पेमेंट तरीके से रिचार्ज से पहले करा सकते हैं। यह रिचार्ज प्लान माई जियो ऐप और अन्य थर्ड पार्टी रिचार्ज प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। तो यही थी गाइज जियो के तरफ से आने वाले न्यू प्लान के बारे में जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को पहले लाइक करें, उसके बाद कमेंट करें, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके भी दोस्त इस वीडियो को जान पाएंगे। तो बस हमारे तरफ से बस इतना ही जानकारी था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अभी तक हमारे चैनल वाईफाई दोस्त को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिल नोटिफिकेशन दबा दे। तो बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।